Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all will be happy, healthy, and safe. Students, this is your English B class, and I'm your English teacher, Asan Riaz. मैं आपको 8th class की English B पढ़ाऊंगा. English B में हमारा कल तक का जो lesson था, वो था form of verbs. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स अच्छे से लिखी भी होंगी और याद भी की होंगी. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशन टू हेडमास्टर फॉर रिमिशन ऑफ फाइन. हेडमास्टर साहब को दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी. दरख्वास्त के तीन पार्ट्स होते हैं, हेडर, सब्जेक्ट एंड फुटर. हेडर में हम सबसे पहले लिखते हैं टू कॉमा द हेड मास्टर कॉमा तालिमुल इस्लाम हाई स्कूल कॉमा भलवाल डॉट सर कॉमा. यहाँ तक हमारा हेडर था. इससे आगे हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. मोस्ट रिस्पेक्टफुली नहायत मोदबाना. इट इज़ स्टेटेड दैट, लिख रहा हूँ कि आई कुड नाट अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सका. Because of my illness, मेरी बीमारी की वजह से. My father was not at home, मेरे अब्बू घर पर ना थे. There was nobody to bring my application to school, मेरी दरख्वास्त स्कूल लाने के लिए कोई ना था. I have been fined 50 rupees for absence, मुझे गैर हाजिरी के लिए 50 रुपये जुर्माना आयद किया गया. आई रिक्वेस्ट यू टू रीमिट माई फाइन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जुर्माना मुआफ़ किया जाए. आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. यहाँ तक हमारा था सब्जेक्ट. इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फुटर. फुटर में यूर्स ओबीडियंटली कॉमा एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट. स्टूडेंट, ये हमारी एप्लीकेशन थी. ये आपने नीट कॉपियों पे लिखनी भी है और अच्छे से याद भी करनी है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.